वेट लॉस का तुम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो पर भाई वो स्टबन बेली फैट नहीं जा रहा है। काफी कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में रिसर्च कर ले पर समझ नहीं आ रहा ले तो ले क्या। एंड अगर आप कोई हो जो अपने वेट लॉस जर्नी में हो तो मेरे दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको बड़ा काम आएगा। डूड सलूट, क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल यार। और आज की वीडियो में आपको मैं कैसे सप्लीमेंट का रिव्यू देने वाला हूँ जो आपको आपके वेट लॉस जर्नी में असिस्ट करेगा। मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ ऑन मास बाय जीएचसी का वेट लॉस मैक्स। इस प्रोडक्ट को यार मैं ऑलमोस्ट 25 दिन से यूज कर चुका हूँ तो मैं आपको एक्जैक्टली बता सकता हूँ इससे क्या मुझे बेनिफिट आए, मुझे वेट लॉस में कितना इसने हेल्प किया है, इसको कब लेना चाहिए, इसको कितने डोसेज में लेना चाहिए, इसके अंदर जो इंग्रीडियंट्स है इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आए भाई ये एक्जैक्टली क्या करता है। एंड इसकी प्राइसिंग के ऊपर भी एक डिस्काउंट चल रहा है, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको वीडियो में आगे, तो ये वीडियो पूरा देखिए। एंड अगर तो आपको जो पहली बार चैनल पे आया तो मेरा नाम है विनीत गौरव, मैंने एक यूट्यूब पर सबसे स्ट्रॉन्ग जुड़ामी मनाने के लिए, और मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे ऑन होता है हेल्थ रिव्यूज एजुकेशन एंड टॉपिक ऑफ मेन इंटरेस्ट जो बेसिकली आपको हेडफोन लगा के सुनना चाहिए। तो चलिए भाई साहब ये हसल शुरू करते हैं। वेट लॉस मैक्स के अंदर आपको 60 कैप्सूल्स मिलते हैं। इसको लेने का बेस्ट टाइम कौन सा है, इसको लेने का बेस्ट टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। जो लोग होते हैं जो एम्प्टी स्टमक में वर्कआउट करते हैं कार्डियो करने जाते हैं, अगर आप ये एक कैप्सूल लेके जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको दिन में कितनी बार लेना है, आप इसको दिन में एक से दो बार ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल कितना है, आप कितने ओबीस हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आपका फैट परसेंटेज अराउंड 18-22 के अंदर है तो भाई एक कैप्सूल लो, मोर देन एनफ है, वो भी मॉर्निंग में लेना। इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से बात करते हैं तो इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है, गार्सिनिया कैम्बोजिया है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, एल-कार्नेटीन है एंड गुगुल है। आप इसको कैप्सूल को गर्म पानी के साथ कंज्यूम मत कीजिए, नॉर्मल एंड कोल्ड वाटर के साथ कंज्यूम करो तो बेटर रहेगा। आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स तो इसके बता दिए हैं पर वो एक्जैक्टली क्या बेनिफिट है, कैसे आपका वेट लॉस में असिस्ट कर रहा है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है जो बेसिकली आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करता है, जो इंसुलिन लेवल है उसको भी डिक्रीज करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा एंड आपका जो फैट स्टोरेज है ना उसको रिड्यूस करता है, दैट इज आपकी फैट बर्निंग में आपको हेल्प करेगा। एंड एप्पल साइडर विनेगर का एक पॉजिटिव बेनिफिट ये भी कि आपकी जो हंगर है, जो भूख है ना, जिसके साथ ओवर ईटिंग कभी कभी हो जाता है, उसको वो थोड़ा सप्रेस करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। देखो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के दो मेजर आपको कंपाउंड मिलते हैं, एक है कैटेकिन एंड दूसरा है कैफीन। ये दोनों ही मिलकर आपके बॉडी में बेसिकली वेट लॉस में असिस्ट करने वाले हैं। वो सीधा काम क्या करेंगे, आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन है उसको रेगुलेट करेंगे जिससे थर्मोजेनेसिस हो, जिससे बेसिकली आपका फैट लॉस होता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है एल-कार्नेटीन। एल-कार्नेटीन दोस्तों कमाल का इंग्रेडिएंट है यार, उसका सप्लीमेंट भी आता है इंडिविजुअल सप्लीमेंट जो सिर्फ एल-कार्नेटीन पे होता है। अगर आप लोगों को चाहिए मैं उसके ऊपर भी रिव्यू बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं उस पर भी रिव्यू बना दूंगा। एल-कार्नेटीन क्या करेगा, एल-कार्नेटीन बेसिकली आपके फैटी एसिड्स को सेल में कन्वर्ट करेगा जो बेसिकली आपके एनर्जी के लिए यूज हो जाएंगे जब आप वर्कआउट या कुछ कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू बर्निंग फैट, जो आपका स्टमक एरिया का जो बेसिक फैट है ना, जिद्दी फैट, वो एल-कार्नेटीन असिस्ट करता है बर्न करने के। एंड अगर मान लो आप ओबीस हो, बेसिकली कोई लड़का या लड़की जो ज्यादा हेल्दी है, ओवरवेट है सीधी भाषा में, उनके लिए एल-कार्नेटीन बहुत इफेक्टिव है। चौथा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है वो है गार्सिनिया कैम्बोजिया। गार्सिनिया के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सिक सिट्रिक एसिड, HCA। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप बहुत ही ओबीस हो, बहुत मोटे हो, ठीक है, तो ये ओबेसिटी को कम करने के लिए काम आता है। सीधी भाषा में एंटी ओबेसिटी है, मतलब आपका वेस्ट रिड्यूस करने में काम आता है एंड साथ ही साथ आपका जो फूड इनटेक है ना, खाने का जो हंगर है वो भी सप्रेस होता है। पांचवा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है वो एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, वो है गुगुल। गुगुल बेसिकली प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे शहद को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेम टू सेम ये एक आयुर्वेदिक हब है। एंड जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है ना, उनकी रिसर्च ये कहती है कि गुगुल बेसिकली काम क्या करेगा, जितना आपके एब्डोमेन एरिया में, एब्स एरिया में जो फैट है ना, उसको कम करने के लिए काम आता है। तो मैं अब इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया ये जो फैट लॉस सप्लीमेंट्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिकॉज इतना आपको समझना चाहिए दोस्तों। फैट लॉस का जो कैप्सूल्स या पिल्स होते हैं ये कोई मैजिक पिल्स नहीं होते, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नेचुरल हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स के ही, एंड इसको लेने का तरीका होता है। याद रखिए कोई भी फैट लॉस जर्नी सक्सेसफुल नहीं होगी अगर आपका डाइट खराब है। अब ये मत सोचिए कि आप कुछ भी खा लेंगे एंड एक चलो यार आपने ये सुबह सुबह इसको एक एम्प्टी स्टमक में ले लिया, कार्डियो करने चले गए, आपका काम हो गया। नहीं, बिकॉज यार इतना याद रखो, एब्स आर मेड इन किचन, एंड अगर आप उसको फिटनेस के साथ अच्छे से एक रूटीन एक्सरसाइज के साथ अगर आप उसको ऐड करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। सप्लीमेंट का काम ही होता है सप्लीमेंट करना, पर आपको आपका डाइट क्लीन रखना जरूरी है। मुझे कितना बेनिफिट आया है इसको लेने से, तो दोस्तों यार बीइंग ऑनेस्ट 25 दिन के अंदर ना मेरा हंगर जो है वो सच में सप्रेस हो गया है। मैं 1900 कैलोरीज के अप्रॉक्स खाता हूँ एंड ये मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है, पर कुछ टाइम एक ऐसा हो गया था कि मैं अपने कैलोरीज से थोड़ा ज़्यादा खा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन आप जितना फैट बर्न कर रहे हो आप उतना ही खाते जा रहे हो, तो कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है। बट बिकॉज टेकिंग सच सप्लीमेंट मेरा हंगर थोड़ा सप्रेस हो गया, मतलब मैं अभी 1700-1800-1900 इतने ही कैलोरीज के रेंज में रहता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाता। प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ का आता है, बट फिलहाल इस पर कोई फ्लैश सेल चल रहा है जिस पर ये सेम प्रोडक्ट आपको मिल सकता है 500 रुपीज़। मेरे डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का एंड वो फ्लैश सेल का दोनों का लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। एंड अगर आपको अब अच्छा लगा है ना, तो ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, या मुझे फॉलो करके DM कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो पक्का बनाऊँ। एंड जैसे ही हम 10K का मार्क कंप्लीट करेंगे इंस्टाग्राम पर, वैसे ही मैं 10 फ्रेग्रेंस का गिव अवे भी करने वाला हूँ। तो भाई आइए, फॉलो कीजिए एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आप लोग ऐसे ही कुछ और कमाल के वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मैं डूडा मी, कीप हसलिंग एंड अपना ध्यान दीजिए। बाय।